आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आज की बहुत गंभीर समस्या के बारे में बता रहा हूँ, मच्छर मक्खी। तो इसके लिए ब्यूटॉक्स का प्रयोग करिए। जो बाड़े की सफाई करनी है उसमें ब्यूटॉक्स जो है वो 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से डालिए, जानवरों को बाहर निकाल दीजिए और बाड़े में कर दीजिए। जानवरों के ऊपर इसका प्रयोग जो है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल लीजिए और स्प्रे करिए। तो ये तो आपका मतलब बाड़े में से निकालने के लिए है। इसका ब्यूटॉक्स जो है 2 में आता है, एक तो 4x में आता है। तो 4x वाले को जमीन के लिए यूज किया जाता है, x वाले को या जानवरों पे यूज किया जाता है। आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए। इसकी एंटीडोट जो है वो एट्रोपिन होती है और आप इसको और नेट पे देख लीजिए, डॉक्टर की सलाह से इसको लगाइए तो आपका ये मच्छर और मक्खी मारने में बहुत सक्षम है। दूसरा होता है टिक टैक, ये इसकी ब्यूटॉक्स की फोटो आपको दिखाई जा रही है, ये सब जगह मिलता है। इसमें साइपरमेथिन होती है और दूसरी चीज है टिक टैक। और टिक टैक जो है वो जो है एमिटाज होता है उसमें, और एमिटाज जो होता है ये खुजली करने वाला माइट्स जो होते हैं उनको मारता है। तो इसको वीकली लगाएंगे आप जानवर को, ये मतलब बाड़े में नहीं लगाया जाता, इसको 7-7 दिन पर आप लगाएंगे 2-3 बार तो आप छुट्टी पा जाएंगे। अगर आप कोई भी जानवर बाहर से लाते हैं तो आप उसको वहीं पर डीवर्म कर, वो डिटेक करिए तो तब लाइए और इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। कोई जल्दी मत करिए इसको, जल्दी में आप लगा दें सारे जानवरों पे एक साथ मत लगाइए। पहले किसी अड्डे पड्डे पे या बेकार के पशु पे लगा लीजिए और फिर धीरे धीरे एक एक करके रोज लगाइए। तो यही मैंने आपको बताया, इसको बरसात में नहीं लगाना, नहीं तो बरसात में ये धुल कर चला जाता है। जब कड़ी धूप निकल रही हो उस वक्त लगा दीजिए, क्योंकि ये बॉडी से चिपक जाते हैं। तो ब्यूटॉक्स जो है 4x में भी आता है और ब्यूटॉक्स जो है वो 1x में भी आता है। 4x वाला जमीन पे यूज आता है और 1x वाला जो है उस पर यूज होता है। अगर आपके पास 4x वाला नहीं है तो आइए 1 ml में 4 ml मिलाइए, वो बाड़े के उसके लिए। और अपने डॉक्टर्स की सलाह से करिए, एट्रोपिन रखिए, इसके डिब्बे को से बच्चे ना खेलें, इसकी सिंह को भी फेंक दीजिए और इसको अदल बदल के यूज़ करिए। मैं तो इसके संग संग बीच बीच में आइवरमेक्टिन का भी प्रयोग करता हूँ। तो इसका विड्रॉल पीरियड देख लीजिए, इसका विड्रॉल पीरियड कितना है, उस अवधि में आप जो है दूध को डिस्कार्ड करिए। जो आइवरमेक्टिन है उसका तो प्रेग्नेंट पशुओं पर आप लगा सकते हैं, टिक टैक को भी आप प्रेग्नेंट पशुओं को लगा सकते हैं और उसके लिटरेचर में पढ़ लीजिए। पर आइवरमेक्टिन जो है जो है वो दूध देते पशुओं को नहीं लगाते, क्योंकि वो दूध में आता है फिर हानिकारक है। आपने ये मच्छरों मक्खियों और लाइस के बारे में क्या कहते हैं बाहरी और अंतर परजीवियों के बारे में सुना। एक चीज़ और है, क्लोसांटल। क्लोसांटल आता है वो अंदर के और बाहर के सारे परजीवियों को मार देता है। ब्यूटॉक्स और टिक टैक बाहर के परजीवियों को मारता है, क्लोसांटल और आइवरमेक्टिन अंदर के परजीवियों को भी मारता है पर ये फेशियोलाइसिस को नहीं मारता है। धन्यवाद, आपने सुना, मैं सही हूँ। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, उसका नंबर जो है 7979848332 है। और अगर आप यहाँ ऋषिकेश से अच्छा सेक्सी में सस्ता लेना चाहते हैं तो आप कुकृति जी को संपर्क करिए, वो उनका नंबर नीचे दिखाया जा रहा है। धन्यवाद, आपने सुना।